झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी की रेडार से गायब हो गए हैं। ईडी ने हेमंत सोरेन के दिल्ली में तीन ठिकानों पर छापेमारी की। हेमंत सोरेन से कल पूछताछ भी की जानी है। वहीं मानेसर लैंड स्कैम मामले में हरियाणा के सीए भूपेंद्र हुड्डा से ईडी ने दूसरी बार पूछताछ की है। महाराष्ट्र के खिचड़ी घोटाले में शिवसेना के उद्धव गुट के नेता संजय राउत के भाई सुनील राउत को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, लेकिन सबकी नजरें तो झारखंड पर है, जहां आज रांची में महागठबंधन के विधायकों की बैठक होने जा रही है। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। सोमवार को ईडी ने हेमंत सोरेन के दिल्ली में घर पर छापेमारी की। इसके बाद ईडी ने घर से कई अहम दस्तावेज और सोरेन की बीएमडब्ल्यू कार को सीज कर लिया है। वहीं रविवार आधी रात से गायब हुए सीएम हेमंत सोरेन का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। सोमवार को ईडी की टीम दिल्ली में हेमंत सोरेन को उनके तीन ठिकानों पर तलाश रही, लेकिन वो नहीं मिले। इस बीच बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने दावा किया कि वो ईडी की जांच से भाग रहे हैं और सड़क के रास्ते रांची पहुंच रहे हैं। हेमंत सोरेन को 31 जनवरी तक ईडी के सामने पेश होना है, लेकिन उससे पहले वो अचानक गायब हो गए हैं। हेमंत सोरेन बन गए मिस्ट्री मैन। दिल्ली से कैसे गायब हो गए हेमंत सोरेन? दिल्ली टू रांची हेमंत सोरेन की तलाश कर रही ईडी। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर ईडी का शिकंजा कसा तो वो अचानक अंतर्ध्यान हो गए। हेमंत सोरेन के गायब होने की बड़ी वजह उन पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार को माना जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी कभी भी हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि ईडी अब तक उन्हें 10 समन दी कर चुकी है। 10वें समन में उन्हें 31 जनवरी तक ईडी के सामने पेश होने को कहा गया है, लेकिन हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश होते उससे पहले ही वो दिल्ली में अपने घर से गायब हो गए। 7 बजे ईडी की टीम हेमंत सोरेन के संभावित तीन ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिस हेमंत सोरेन से मनी लॉन्ड्री केस में ईडी को पूछताछ करनी थी, जिसके लिए ये छापेमारी की कार्रवाई की गई। लेकिन पूरे दिन की कार्रवाई के बाद भी झारखंड के मुख्यमंत्री का कहीं पता नहीं चला। ईडी की टीम कहीं मुख्यमंत्री को ट्रेस नहीं कर पाई, जबकि एक मुख्यमंत्री भारी सुरक्षा लाव लश्कर के साथ होता है। बावजूद इसके कल रविवार रात आधी रात से सीएम हेमंत सोरेन कहां है इसका अभी तक पता नहीं चल पाया। हेमंत सोरेन के गायब होने की खबर जैसे ही सामने आई, बीजेपी नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि हेमंत सोरेन ईडी के डर से भाग गए। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मुख्यमंत्री हेमंत जी भगोड़ा की तरह व्यवहार कर रहे हैं। भारत के इतिहास में शायद ये पहला मौका है जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री जांच एजेंसी से भाग रहा है। हेमंत सोरेन इस वक्त कहां है कोई नहीं जानता। ईडी की टीम पूछताछ के लिए उनकी तलाश कर रही है, लेकिन हेमंत सोरेन सामने नहीं आ रहे हैं। वहीं अचानक सीएम हेमंत सोरेन के गायब हो जाने पर झारखंड के गवर्नर सीपी राधा कृष्णन ने कहा, ईडी अपना काम कर रही है, इसका विरोध नहीं होना चाहिए। ईडी गॉट इट्स ओन ड्यूटी टू परफॉर्म एंड आई पर्सनली फील पार्टी शुड नॉट इन्वॉल्व्ड इन दिस टाइप ऑफ एक्शंस। पार्टी शुड नॉट बी इन्वॉल्व्ड। दिस इज क्रिएटिंग अननेसेसरी टेंशन बिटवीन द टू पॉलिटिकल पार्टीज दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। इससे पहले सोमवार की सुबह ईडी की टीम हेमंत सोरेन से पूछताछ करने पहुंची, लेकिन हेमंत सोरेन घर में नहीं मिले। इसके बाद ईडी की 7 अफसरों की टीम दिल्ली के झारखंड भवन पहुंची, लेकिन वहां भी हेमंत सोरेन नहीं मिले। इसके साथ ही एक टीम मोतीलाल नेहरू मार्ग पहुंची, जिसके बाद दिन भर ईडी की टीम उनका इंतजार करती रही। शाम को ईडी की टीम ने हेमंत सोरेन के घर 5/1 शांति निकेतन के कुछ अहम डॉक्यूमेंट और उनकी बीएमडब्ल्यू गाड़ी जब्त करके अपने साथ ले गई। जमीन घोटाले से जुड़ी हुई मनी लॉन्ड्री केस में पूछताछ के लिए ईडी की टीम सोमवार की सुबह सीएम हेमंत सोरेन के निजी आवास पर सुबह
7 बजे पहुंची थी। साउथ दिल्ली के स्थित शांति निकेतन के 5/1 ये आवास हेमंत सोरेन का निजी आवास है, जहां पर ये शनिवार को आए थे। और उसके बाद जैसे ही ईडी को जानकारी मिली, ईडी की टीम सोमवार की सुबह 7 बजे यहां पर पूरी टीम यहां पर पहुंची थी पूछताछ करने के लिए, लेकिन हेमंत सोरेन यहां पर ईडी की टीम को नहीं मिले। बताया ये जा रहा है कि रविवार की रात में ही आधी रात के बाद हेमंत सोरेन किसी अज्ञात जगह पर चले गए हैं, लेकिन ईडी की टीम ने पूरे दिन उनका इंतज़ार किया। एक टीम ईडी की यहां से चली गई, फिर दूसरी टीम यहां पर पहुंची और उसके बाद पूरे घर में ईडी की टीम ने छानबीन की। उसके बाद जो इनकी एक निजी कार थी बीएमडब्ल्यू कार, उसकी भी छानबीन की गई और जितने भी तमाम कागजात घर के अंदर से और कार में मिले उसे ईडी की टीम ने जब्त कर लिया। इसके साथ ही हेमंत सोरेन की जो पर्सनल बीएमडब्ल्यू कार थी उसको भी जब्त करके यहाँ से ईडी की टीम लेकर गई है। इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईमेल में ईडी पर राज्य सरकार के कामकाज में बाधा डालने के लिए राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित होकर काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि 31 जनवरी को या उससे पहले उनका बयान दोबारा दर्ज कराने की ईडी की जिद दुर्भावना से प्रेरित लग रही है। यह कानून द्वारा दी गई शक्तियों का दुरुपयोग है। सोरेन ने ईमेल में कहा कि अदालत को उपलब्ध कराने के लिए 20 जनवरी को उनके 7 घंटे को हुई पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखा जाए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहाँ है कोई नहीं जानता। रांची में जो इनका सरकारी आवास है वहाँ पर जो इनके विधायक और मंत्री हैं सरकार के, सभी लोगों का जमावड़ा लगा, लेकिन वहाँ भी हेमंत सोरेन नहीं पहुँचे। अब 31 तारीख को मुख्यमंत्री कार्यालय से ईडी को मेल के जरिए सूचित किया गया है कि ये ईडी की पूछताछ और जांच में वो शामिल होंगे, लेकिन ईडी की टीम अभी भी सीएम हेमंत सोरेन की तलाश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड में सियासी हलचल भी तेज हो गई है। रांची में कांग्रेस और जेएमएम के विधायक जुटने लगे हैं। आज दोपहर 2 बजे गठबंधन के विधायकों की बड़ी बैठक होगी। इसके साथ ही जेएमएम के विधायकों की अलग से बैठक भी होगी, जिसमें इस बात पर चर्चा होगी कि अगर हेमंत सोरेन को ईडी गिरफ्तार करती है तो फिर झारखंड की कमान किसे दी जाए। वहीं कांग्रेस नेता ईडी के एक्शन को बीजेपी की साजिश बताकर हेमंत सोरेन का बचाव करने में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार कारनामे कर रही है, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं लोकतंत्र की हत्या है। ये जनादेश का अपमान है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री कहा है, सबको पता है, सब दम ठीक है। मुख्यमंत्री जी ऑफिशियल काम से गए थे दिल्ली। मैं बीजेपी से मांग करता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को सही सलामत घर ला दें, नहीं तो अच्छी बात नहीं होगी। बदले की राजनीति है, बहुत खराब स्तर पे नीचे गिर गया है लोग। मतलब क्या बोलूँ मैं, बड़ा ही मतलब डिसअपॉइंटिंग है हम लोगों के लिए ये सब देखना कि इस तरह से राजनीति लोग कर रहे हैं। मतलब किसी तरह से भी सत्ता में आना है, किसी तरह से भी कुर्सी में, उनको मतलब जनता से कोई सरोकार नहीं है, बस किसी तरह उनको सत्ता बस चाहिए। सोमवार को भी गठबंधन के कुछ नेताओं की बैठक हुई थी। वहीं बीजेपी सांसद निशांत दुबे ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर दावा किया है कि हेमंत सोरेन ने जेम और कांग्रेस विधायकों को रांची सामान और बैग के साथ बुलाया है। सूचना के अनुसार कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री ने सूचना दी है कि ईडी की पूछताछ के डर से वो सड़क के रास्ते रांची पहुंचकर घोषणा करेंगे। वहीं हेमंत सोरेन के भ्रष्टाचार के एक और फाइल खुल गई है। उनकी 82 संपत्तियों के बारे में लोकायुक्त ने जवाब मांगा है। क्योंकि हेमंत सोरेन अब तक इस मामले में जवाब दे बच रहे हैं, इसीलिए लोकायुक्त ने उन्हें 15 दिन का वक्त दिया है और साफ साफ कह दिया है कि यह आखिरी मौका है। अगर 15 दिन में जवाब नहीं दिया तो लोकायुक्त उनके खिलाफ एक्शन लेगा।